एमपी के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। चुनाव होना अभी बाकी है और चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, पर विधायक बनने से पहले ही एक प्रत्याशी ने अपना इस्तीफा तैयार कर लिया है। हो गए ना आप भी हैरान। ये पूरा मामला सिंगरौली का है, जहां निर्दलीय चुनाव लड़ रहे अतुल कुमार दुबे ने जिला न्यायालय में एक शपथ पत्र दिया है। शपथ पत्र में लिखा है कि 5 साल के लिए नहीं बल्कि सिर्फ 15 महीने के लिए सिंगरौली की जनता मेरा कार्यकाल देख ले, यदि काम सही नहीं लगा तो मैं तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दूंगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बाकी हैं, ऐसे में सभी प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। सिंगरौली से निर्दलीय प्रत्याशी अतुल कुमार दुबे भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। अब अतुल कुमार दुबे ने शपथ पत्र जिला न्यायालय को दिया है, जिसमें अतुल कुमार दुबे ने लिखा है कि 5 साल के लिए नहीं बल्कि सिर्फ 15 महीने के लिए सिंगरौली की जनता मुझे एक अवसर देकर मेरा कार्यकाल देखे, यदि काम सही नहीं लगा तो जिन लोगों ने तन मन धन लगाकर सहयोग किया है उनमें से 50% लोग अगर लिखकर दे देंगे कि काम सही नहीं लगा तो तत्काल प्रभाव से मैं इस्तीफा दे दूंगा। निर्दलीय प्रत्याशी अतुल कुमार दुबे ने कहा कि जब कोरोना का दौर था मैंने लोगों के लिए काम किया, मैंने जनता की आवाज सुनी, सिंगरौली की जनता मेरा साथ देगी और मुझे विधानसभा पहुंचाएगी। विजन भ्रष्टाचार मुक्त सिंगरौली हो और सिंगरौली में अन्याय हो रहा है इससे मुक्ति हो और हमारा जिला जो है जो पिछड़ेपन का कलंक झेल रहा है कई वर्षों से वो जिला जो है विकसित हो, ये हमारा विजन है। आप लोगों ने और सभी लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से सिंगरौली में देश की ऊर्जा धानी है, ये सिंगरौली का पावर प्लांट, सिंगरौली की कोल माइंस बहुत तरक्की कर रही है क्योंकि सरकारों ने हमेशा से माइंस के ऊपर ध्यान दिया, पावर प्लांट के ऊपर ध्यान दिया, इसलिए वहाँ काम हुए। स्थानीय स्तर पर जिन्होंने अपनी जमीन और घर दी वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। उन लोगों को विकसित करने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए अभी भी किसी भी सरकारों ने कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया। इस वजह से हम लोगों ने हमेशा से कवरेज के दौरान स्थानीय स्तर पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करके ये चीज़ें जाना है, समझा है कि सिंगरौली वासियों को उनके लिए काम करने के लिए बहुत ज़रूरत है। 2018 में केंद्र सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट ने भी बात स्पष्ट कही थी कि सिंगरौली जिला को विकास करने के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए 100 गांव गोद लिए गए थे इनकी किसी एनसीएल और तमाम कंपनियों के द्वारा, लेकिन आज भी वो काम नहीं हो पाए। जिस विजन को लेकर हम चले हैं उसको निश्चित तौर पर चुनाव जीतने के बाद हम लोग चाहेंगे वो काम हो। देखिए कोविड का दौर था, वो वादा काम नहीं आया था, एक एक सांस के लिए जब लोग परेशान थे, वो तामझाम दिखाई नहीं दी थी, वो भीड़ दिखाई नहीं दिया था, वो व्यवस्थाओं के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाया था, एक एक सांस के लिए जब लोग परेशान थे, जब लोगों से अवैध वसूली अस्पतालों के द्वारा किया जा रहा था, हम लोगों ने व्यवस्थाओं को बदलने के लिए लगातार न सिर्फ आवाज़ उठाया बल्कि उस आवाज़ में को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन से लगातार मॉनिटरिंग किया, दिन हो या रात हो मॉनिटरिंग करके लोगों के जीवन को सुधारने के लिए, उनकी स्थिति को सही करने के लिए हम लोगों ने काम किया है। एनसीएल में जो परीक्षा का घोटाला हुआ था वहाँ पर गेट पर हम लोगों ने लगातार काम किया, तो हम लोगों ने सिर्फ वायदे नहीं किए, धरातल पर काम किए और काम करके जाने की स्थिति क्या है, लोगों के बारे में सुनने वाला कोई नहीं था, हम लोग सुनने जानने और देख कर समझ करके यहाँ पर आए हुए हैं। निश्चित तौर पर सिंगरौली की जनता को जान रही है कि सिंगरौली के हित के लिए कौन काम कर रहा है। मुझे यकीन है कि सिंगरौली की जनता इस बार प्रचंड बहुमत देगी और हमें विधानसभा पहुँचाएगी। एमपी के गरीब के मन में मोदी, क्योंकि पूरी हुई पक्की छत की आस, 44 लाख गरीबों को मिला आवास। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।